Dear student, good morning all of you. Today I will teach you about the maths for class first. Your topic name is number and numeral. Do you know what is number? Such as I was told you about the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are called numbers. और इनके आगे जो भी नंबर बनते हैं, जैसे 1010, 1111, 1212, 1313, 1414, 1515, ये नंबर्स होते हैं, ये नॉन फाइनाइट अनंत तक ये नंबर बनते चले जाते हैं। इन नंबरों को हम एज ए न्यूमरल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूमरल क्या होता है? जो हम पढ़ते हैं वैसा ही लिखते हैं। जैसे हमने वन पढ़ा तो वन को हमने स्पेलिंग लिखी वन की, ओ एन ई, तो ये कहलाया न्यूमरल। इसी प्रकार हमने डिजिट टू पढ़ी, जब डिजिट टू पढ़ी इसे न्यूमरल में चेंज किया तो हो गया टी डब्ल्यू ओ। इसी तरह थ्री है, थ्री को हमने न्यूमरल में चेंज किया टी एच आर डबल ई। फोर को न्यूमरल में चेंज किया एफ ओ यू आर। फाइव को न्यूमरल में चेंज किया एफ आई वी। इसी तरह सिक्स को एस आई एक्स, सेवन को ए सी वी ई एन, एट को ई आई जी एस टी, नाइन को एन आई एन ई, टेन को टी ई एन, इलेवन को ई एल ई वी ई एन, ट्वेल्व को टी डब्ल्यू ई एल वी ई, थर्टीन को टी एच आई आर टी डब्ल्यू ई एन। इस प्रकार से हम सारे डिजिट को न्यूमरल में चेंज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है नंबर एंड न्यूमरल। सो प्लीज कम टू द पॉइंट, नंबर एंड न्यूमरल। हे आई एम रोहित, टेस्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एंड स्पीक अलाउड। नंबर 1 to 10, हेयर इज गिवन दैट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सेम इन दिस वे यू कैन राइट योर 6, यू कैन 6, just a minute, just a minute dear. So dear, here you will write 6, okay dear? So dear, here you will write 6 and you will write the spelling of 6. What you will write? S I X 6. In the same way you will write 7. The spelling of 7 is S E V E N 7. The spelling of 8 E I G H T. 9 की देखिए, N I N A, N I N E. 10 की T E N. So dear students, in this way you will write the number 1 to 10. First of all, you will write the number 1, you will write the number name, or it means numeral, O N E. In the same way you will write 2, T W O, okay? So dear, one by one you will do it like that, okay dear? So please come to the next point. Here is given that your next point. Tens and ones, numbers from 1 to 9 are called 1. So dear, जो number होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये number कहलाते हैं ones. क्या कहलाते हैं? Ones कहलाते हैं, okay? Numbers from 1 to 9 are called ones.
वंस आर वन डिजिट नंबर्स, ये सारे वन डिजिट नंबर होते हैं। एज यू नो दैट वन मोर देन नाइन इज टेन, आप जानते हैं यदि नाइन में वन और ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट्स मेक्स वन टेन, और यदि हम टेन ऑब्जेक्ट को दस वस्तुओं की इकट्ठा कर दें तो वो वन टेंथ बन जाएगा, एक दहाई बन जाएगा। लुक एट द पैकेज एंड सी हाउ वन टेन इज सोन ऑन इट। देखिए आप इसको एबेकस में कैसे दिखाएंगे, ऐसे बता रहा हूँ। तो सपोज करिए ये एबेकस है, ये टेंस है और ये वंस है। हमें कोई भी डिजिट दिखानी है, सपोज करिए हमें ये दिखाना है टेंस, पहले वंस दिखा दें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये नाइन वंस हो गया। क्या हो गया, नाइन वंस। वन मोर देन नाइन वंस तो क्या हो जाएगा, टेन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो हम इसी प्रकार टेंस का बना सकते हैं। ये वंस हो गया और ये टेंस हो गया। अब देखिए जब टेंस में हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये देखिए टेंस हो गए। तो इस तरह से आप डेट्स लिख सकते हैं। तो वन जीरो टेन, स्पेलिंग टेन की टी ई एन। ओके डिया, सो देर इज ओनली वन बीट इन टेन, सो इट इज वन टेन। काउंट द बीट्स, राइट द नंबर्स बींग सॉन ऑन ईच ऑफ द गिवन एबेकस, राइट जीरो वेयर देर इज नो बीट। जहां पर बीट नहीं होगी वहां पर जीरो रखेंगे। ओके डियर, सपोज करिए ये सर्किल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन चीज़ें रखी हैं, इसको बोलेंगे वन टेन। क्या बोलेंगे, वन टेन। सपोज करिए कोई चीज़ है अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब देखिए टेन टेन की दो मैंने ड्रा लाइन की, तो वन टेन ही होगी, ये टू टेन हो गया, तो इसे लिख सकते हैं टू टेंस। क्या लिख सकते हैं, टू टेंस इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टेन इक्वल टू ट्वेंटी। अब हम इसको एबेकस में सेट करते हैं, एबेकस में चलिए एबेकस में देख लीजिए। सपोज करिए हमने इसको वंस माना और इसको टेंस माना। ओके डियर, तो सपोज करिए मैंने इसमें जीरो रखा, इसमें टू रखा, तो ट्वेंटी हो गया। तो इसमें टू बीट्स आएंगी, इसमें कोई बीट्स नहीं आएंगी। इसी प्रकार आप अन्य चीज़ देख लीजिए, इसमें बीट्स काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फोर रख दीजिए, यहाँ पे जीरो रख दीजिए,
इसी प्रकार 1 2 3 तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, यहाँ पे 0 रख दीजिए, 1 2 3 4 5 5 रख दीजिए इधर, यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ पे 7 रखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो वहाँ पर 6 रखिए, वहाँ पे 0 रखिए। इस प्रकार से डिजिट हम लोग कर सकते हैं। ओके डियर, कम टू द नेक्स्ट पेज, नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 10 वंस मेक अ 10, आर 10 वंस इक्वल टू 110। जब 10 ऑब्जेक्ट होती हैं, 10 वस्तुएं होती हैं, तो 10 वस्तुएं मिलाकर के 110 बनता है। 20 मान लो 10 प्लस 10 है तो 2 टेंस बनेगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 3 टाइम्स है तो 3 टेन बनेगा। ओके डियर, तो चलिए काउंट करते हैं। देखिए ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट हैं, तो 10 ऑब्जेक्ट में हम वो करेंगे, सो डियर स्टूडेंट सपोज करते हैं 10 ऑब्जेक्ट हैं, तो इसे बोलेंगे 110। सपोज करिए 210 है, इसे बोलेंगे 210। इसी तरह 310 है, तो इसे बोलेंगे 310। सो डियर स्टूडेंट्स, सच एट आई वॉज टोल्ड यू अबाउट द फिल इन द बॉक्सेस, सपोज दैट दिस ऑब्जेक्ट इज 10 एंड दिस ऑब्जेक्ट इज 10। तो जब ये ऑब्जेक्ट 10 है, ये ऑब्जेक्ट 10 है, तो आप जानते हैं एक 110 है प्लस दूसरा 10 वंस है, दूसरा 10 वंस है, तो दोनों का मतलब क्या हो गया 20। इसी प्रकार 110 ये है, 110 ये है, तो 110 मिला के क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा, प्लस 1 1 है, तो 210 प्लस 1 1 कितना हो गया 21। 21 वर्ड्स में लिख सकते हैं, TWENTYONE 21। इन द सेम वे हेयर इज गिवन दैट, हेयर इज गिवन दैट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ 10, 10 के दो ग्रुप दिए गए हैं, देख सकते हैं, तो 110 प्लस 110 प्लस 3 1 3 1, इट मीन्स 210 प्लस 3 1 3 1 इक्वल टू 23। TWENTYTHRWE 23। नाउ कम टू द पॉइंट, इन द सेम वे 110 प्लस 110 इक्वल टू 210 प्लस 5 1, 210 मीन्स 20 प्लस 5 1 25। यू विल राइट दिस स्पेलिंग अप 25, TWENTY 20, FIVE 25। इन द सेम वे यू विल राइट 110 110, 210 प्लस 6 1 26। यू विल राइट द स्पेलिंग ऑफ TWENTY 26, SIX 26।
Now 110, 110 plus 210 plus 81 equal to 28. You will write the spelling of 28, T-W-E-N-T-Y, 28, E-I-G-S-T, 28. In the same way, 110, 110 plus 91, 110, 110 equal to 210 plus 91, 29. 29. You will write the spelling of 29. T-W-E-N-T-Y 29. N-I-N-E. Okay dear. Come to the next page. In the same way, 210 plus 10 months is equal to 3 tenths. 3 tenths. 3 tenths matlab 30. You will write the spelling of 30. देखिए न्यूमरल में चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. इसी प्रकार 310 प्लस 1, 3 टेंस प्लस 1, 31. द स्पेलिंग ऑफ 31 इज टी एच आई आर टी वाई ओ एन ई. इसी प्रकार 3 टेंस प्लस 2, तो 3 टेंस मतलब 30 प्लस 2, 32. यू विल राइट द स्पेलिंग ऑफ 32, टी एच आई आर टी वाई टी डब्ल्यू ओ. 310 प्लस 3 वंस, 310 मतलब 30 प्लस 3 वंस मतलब 33. यू विल राइट द स्पेलिंग ऑफ 33, टी एच आई आर टी वाई टी एच आर डबल ई. इन दिस वे यू विल डू इट. लास्ट, इन द लास्ट, लास्ट पाएंगे कि 310 प्लस 9 मंथ्स इक्वल टू 39. यू विल राइट द स्पेलिंग ऑफ 39, टी एच आई आर टी वाई एन आई एन ई 39. कम टू द नेक्स्ट नंबर फ्रॉम 40 टू 49. इन द सेम वे 310 प्लस 10 वंस इक्वल टू 40. 4 टेंस प्लस 1, यू विल राइट 4 टेंस प्लस 1, 1, 2, 3, 4. 4 टेन प्लस 2 वंस, 1, 2, 3, 4. 4 टेंस प्लस 3 वंस, 1, 2, 3, 4. 4 टेंस प्लस 4 वंस, 1, 2, 3, 4. 4 टेंस प्लस 4 वंस. You will write here. Here is given that 1, 2, 3, 4, 4 tens, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ones. 1, 2, 3, 4, 4 tens plus 7 ones. 1, 2, 3, 4, 4 tens plus 8 ones. 1, 2, 3, 4, 4 tens plus 9 ones equal to 49. And you will also write the spelling of these one. Fill up the boxes. आपको दिए गए boxes को fill up करना है. Missing the numbers and number names. जो number miss हो गए हैं उनका number name लिखना है. Suppose करते हैं 18 है. 18 के बाद क्या आएगा? 19. 19 के बाद 20. 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23. तो आपको सबकी स्पेलिंग लिखनी है. जैसे 19, N I N E T W E N, 19, 20, T W E N T Y, 20, T W E N T Y, 21, T-W-E-N-T-Y 22. So dear students, in the same way you will write the missing meaning. 20, after 25 you will write 26, 27, 28, 29, 30. You will write the spelling of 8, 26,
27 TWENTY 27 29 TWENTY NINE 29 30 THIRTY 30. So dear, in this way you will write all the numbers in numerals. In the same way, you will write 26, 27, 28, 29, 30, 31. You will write the spelling of it. 32, 33, 34, 35, 36, 37. You will write the spelling of it. 39, 40, 41. You will write the spelling of it. 40, 41, 42, 43, 44. In this way, you will write the spelling of it. Now, number from 50 to 59. Common mistakes 50 FIFTY, 15 FIFTWEN. बच्चों ये अक्सर गलती करते हैं, 15 को 50 लिख देते हैं. ये कॉमन मिस्टेक्स होती है, इस पर ध्यान दीजिएगा. सपोज करते हैं ये सेट है 10 का, 110 सपोज करिए ये सेट है 10 10 10 10 10 10 सिक्स टाइम अर्थात 60. यू मे राइट लाइक दैट 50 प्लस 10 60, और यू विल राइट 5 10s प्लस 5 1s, 6 10s प्लस 5 1s इक्वल टू 65. हेयर यू विल राइट इन न्यूमरल्स 5 10s प्लस 10 1s 60, 6 10 प्लस 10 1s इक्वल टू 0 1s 60. इन द सेम वे यू लाइक 60 प्लस 1 इक्वल टू 61. 60 मीन्स 6 10, 1 मीन्स 1 1, 61 वी विल राइट इन न्यूमरल. हेयर यू लाइक 6 10 प्लस 1 1 इक्वल टू 61. Suppose that here is given that 60 means 6 tens plus 2 ones, 62. Here you will write 6 tens plus 2 ones equal to 62. Here you will write 60 plus 3, you will write 6 tens plus 3 ones, you will write the spelling of 63. 6 tens plus 3 ones equal to 63. You will like 6 tens, 4 ones plus 4, you will like the spelling of 64. Okay dear. Now 70 to 79. In the same way you will like this one. Okay dear, wherever you feel any types of problem, you can ask with me. It is the same way you will write all the numbers. Suppose that 70 means 7 tens plus 10 ones equal to 80, 8 tens 0 ones. You will write in numeral also. Now 90 to 99. In the same way you will do this page also. Each flower has 10 petals. प्रत्येक फ्लावर में 10 पंखुड़ियाँ दी गई हैं.
10 ग्रुप्स ऑफ 10 मेक 100, यदि 10 का 10 ग्रुप है, यदि सपोज करते हैं इस तरह के 10 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसमें 10 चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से इसमें 10 की सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या कहलाएगा, 100 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 100 या 10 tens। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मैथ्स। वेयर एवर यू फील्स एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन आस्क विद मी। थैंक यू डियर, बाय एंड सी यू।